जो काम था यहाँ पर जल जमाव काफी था मुजफ्फरपुर में, जो कि 20 साल से आज तक फर्दो नाला की उड़ाही नहीं हुई थी, तो उस फर्दो नाला की उड़ाही करवाया गया, जिसके कारण आज मोती झील में जल जमाव का नामो निशान नहीं। स्मार्ट सिटी का जहाँ काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी का काम काफी धीमी गति से था यहाँ पर, उसको मैंने तेजी से लाने का काम करवाया। जो गली के रोड नाले वो जर्जर स्थिति में है, पहले तो उनको मैं दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार पिंटू जी है, फिर से चुनाव में जा रहे हैं, इनसे सीधा बात करेंगे। किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं इस बार आपके कार्यकाल को लेकर, इस बार परीक्षा भी होनी है। सबसे पहले तो आपको मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जैसा कि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, मैं महापौर का प्रत्याशी हूँ यहाँ से, और जैसा कि मेरा 6 महीने का ही कार्यकाल था, 6 महीने के कार्यकाल में मैंने जैसे बहुत जो काम था यहाँ पर जल जमाव काफी था मुजफ्फरपुर में। जैसे मोती झील आपका जल जमाव से हमेशा ग्रसित रहता था, डूबा रहता था, तो वहां पर मैंने फर्दो नाला का उड़ाही करवाया, जो कि 20 साल से आज तक फर्दो नाला की उड़ाही नहीं हुई थी, तो उस फर्दो नाला की उड़ाही करवाया गया, जिसके कारण आज मोती झील में जल जमाव का नामो निशान नहीं है। कल्याणी पर भी जल जमाव नहीं हो रहा है। और फिर मैं जब, चूंकि 27 नवंबर को मैं पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद मैंने प्रत्येक वार्ड का भ्रमण स्टार्ट कर दिया, मोटा मोटी 16-17 वार्ड का भ्रमण मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया था जनवरी में, उसके बाद फिर और फिर वार्ड का सब भ्रमण किए, और जितने भी नाला है मुजफ्फरपुर में सभी का उड़ाही करवाया। तो आज के डेट में यहाँ जल जमाव बिल्कुल अब मोटा मोटी नहीं है, और स्मार्ट सिटी का जहाँ काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी का काम काफी धीमी गति से था यहाँ पर, उसको मैंने तेजी से लाने का काम करवाया। आप देख रहे हैं जितने भी पेरिफेरल रोड अपने बैरिया से लेकर के अपने आपको धर्मशाला तक, मोटा मोटी अब जिस समय हम आए थे तो उस समय मात्र 5% काम ही स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में वो काम मोटा मोटी आपको 40% तक जा चुका है। शहरी क्षेत्र में मेयर के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है और पटना के बाद मुजफ्फरपुर का नाम ही आता है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, आपको लगता है कि क्या और सुधार इसमें होने चाहिए? अगर आपको फिर से मौका मिलता है मेयर बनने का, तो आप अगले 5 साल में क्या सुधार देख रहे हैं? निश्चित रूप से पटना के बाद मुजफ्फरपुर हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी है, और इसमें तो जैसे यहाँ पर रोड नाले जो पहले से बने हुए हैं, जो गली के रोड नाले वो जर्जर स्थिति में है, पहले तो उनको मैं दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। जहाँ जहाँ रोड नाला नहीं है हमारा, जैसे आपका कुछ भाग जैसे 45, 46, 47, 48 के भाग में कच्चा रोड नाला है, वो सबको पहले बनवाना है, क्योंकि जनता टैक्स देती है, उसको सुविधा मिलना ही चाहिए किसी भी हाल में। तो पहले तो हम जितने भी कच्चे रोड नाला है सभी का निर्माण करवाएंगे, और यहाँ पर आपको घूमने के लिए वैसा कोई जगह नहीं है जिसको आप, मैंने जैसे मान लीजिए कोई आते हैं बाहर से तो वो घूमना चाहे तो उस तरह का कोई जगह नहीं, तो यहाँ पर हम पार्क जितने भी बन रहे हैं वो सबका रेनोवेट करवाएंगे। और फिर यहाँ पर जैसे अपना ऑडिटोरियम एक मस्ट है, यहाँ पर ऑडिटोरियम होना, तो मोटा मोटी 2000 लोगों के बैठने के लिए एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण कराने का मेरा लक्ष्य है। नामांकन करने जा रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार कितनी चुनौती देख रहे हैं आप? इस बार चुनौती तो क्या, चुनौती क्या है, हम काम किए हैं तो उसी आधार पर हमको जनता मालिक है, जनता वोट करेगी। बहुत अच्छा हुआ कि इस बार जनता के द्वारा मेयर का चुनाव हो रहा है, तो इसमें जनता मालिक से यही अपील है कि भारी मतों से मुझे विजयी बनावे, और जहां तक मैंने जो भी काम किया है उस आधार पर मुझे आगे भी हमको काम करना है शहर के जनता के लिए। यही सब, और भी बहुत सारे जैसे रोड नाला हो गया, फिर और सब बहुत सारा निर्माण करवाना है जनता के लिए, और इसके लिए जनता मालिक से यही अपील है कि एक बार मुझे मौका दे। साफ तौर से ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर के मेयर राकेश कुमार पिंटू, जो वर्तमान में मेयर है और फिर से अपनी दावेदारी भरने जा रहे हैं मेयर पद को लेकर। अब देखना है कि जनता का आशीर्वाद इन्हें इस बार फिर से मिलता है कि नहीं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।